कई आदमी ऐसे हैं कि मुस्लिम कौमों में दंगे भड़का रहे हैं, और हम दंगों से ही पीछे नहीं हटेंगे। अगर दंगा करना चाहते हो तो कर लो, हिंदू सिर्फ बोलना कम चाहता है। अभी ये कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, 5 मिनट का काम है सब खत्म कर देंगे। ताकत है मोदी की, हम उसको नहीं यूज करना चाह रहे तो इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हम मार देंगे, मर जाएंगे, दो ही काम करेंगे फिर तो हम। ये एक हमारा जो नाम है ना, हमारे जो हिंदू समाज का नाम है, ये उन्हें बुरा लग रहा है। आज देश के टुकड़े तो दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाए दिल्ली, तो पाकिस्तान तो हम बनने देंगे नहीं। एक अमित शाह ऐसा सकते जो कभी है ना वचन देके पीछे नहीं हटता, कि मोदी जी पिताजी लग रहे हैं आपके, आज ही हमारे पिताजी लग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि एएमयू के अंदर से जो जेएनयू का छात्र जो पीएचडी कर रहा है दंगों के ऊपर, और वही आवाज़ वहां से उठाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ट्रेनें हैं उनके ऊपर हम इतना खून खराबा करेंगे, इतना मलबा डाल देंगे कि उससे आर्मी वहां तक ना जा सके, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से अलग कर लेंगे। तो जिस तरीके से जिन्ना और नेहरू ने किया था, उस तरीके से पाकिस्तान का एक टुकड़ा ले लिया गया हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान चला गया, बांग्लादेश अलग चला गया, फिर से एक आवाज़ ऐसे ही उठने वाली है। जिन्ना की आवाज़ दोबारा से बुलंद हो रही है इंडिया के अंदर, और वो मांग कर रहे हैं अब वो नॉर्थ ईस्ट को और बंगाल को अलग करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं, हमारे साथ ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि युवा हैं और युवा ही देश की धड़कन होता है। ठाकुर साहब क्या सोचते हैं इस बात को लेकर के नॉर्थ ईस्ट को अलग मांग की कोशिश हो गई? देखिए जी, अलग तो कैसे हो जाएगा वो, क्योंकि हमारे देश का हिस्सा है। और रह गई बात ट्रेनें रोकने की, तो ट्रेनें कैसे रुक जाएंगी? हमारी फोर्स आज भी इतनी कामयाब है कि कूड़े से क्या आदमियों की लाशों से भी चली जाएगी ऊपर से होके। और हम अपना देश कैसे छोड़ देंगे, और हम कैसे नागरिकता आपको देंगे जब हमारा देश हम नहीं देना चाहते नागरिकता, हम उग्रवाद पना नहीं देना चाहते, तो आप हमसे कैसे उग्रवाद पना मांग रहे हो? ये तो आप धरने में बैठे हुए, अगर एक भी हिंदू बैठ गया ना धरने पे कि हमें नागरिकता नहीं देनी, तो उसके पीछे 1000 आदमी बैठेगा। ये तो हम एक शर्म कर रहे हैं, अपने सारे समाज को लेकर चल रहे हैं, और कई आदमी ऐसे हैं कि मुस्लिम कौमों में दंगे भड़का रहे हैं, और हम दंगों से ही पीछे नहीं हटेंगे। अगर दंगा करना चाहते हो तो कर लो, नो प्रॉब्लम है, हम भी दंगों से तैयार हैं। लेकिन उनको ये पता चलना चाहिए कि हिंदू अभी सोया नहीं है, जगा हुआ है। हिंदू सिर्फ बोलना कम चाहता है, अभी ये कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, 5 मिनट का काम है सब खत्म कर देंगे। क्योंकि हमारे पास हमारी सेना है, हमारे पास हमारा देश का संविधान है, और हमारे पास हमारी ताकत है मोदी की। हम उसको नहीं यूज करना चाह रहे तो इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और जितने भी ये भाषण दे रहे हैं, जितने भी ये आज भी जामिया में भाषण थे, तो ये सब एक दिखावा है। ये अपनी कौम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भड़क जाए तो हमें भी कोई फायदा नहीं है और ना हमें कोई नुकसान है। अब ये चाह रहे हैं कि सब चीज अलग हो जाए, तो अलग तो हम होने देंगे नहीं, हम अपने कलेजे का टुकड़ा कैसे अलग कर देंगे? बिल्कुल, हम मार देंगे, मर जाएंगे, दो ही काम करेंगे फिर तो हम। ये तो एक बात वही हो गई जिस तरीके से जिन्ना आए थे और जिन्ना ने अपना एक टुकड़ा लेकर के और पैसे का समझौता करके गांधी जी से और नेहरू से पाकिस्तान ले लिया। अब वही एक देश के अंदर माहौल क्रिएट करने के बाद नॉर्थ ईस्ट को अलग मांगना चाहते हैं। हर बंदा जिन्ना तो नहीं बन सकता है। तुम कह रहे हो संतलत है, ये लाल किला है, कुतुब मीनार है, अबे है तो हमारे घर में धरोहर। बिल्कुल, अगर हमने किसी को किराए पे दे दी तो वो कुछ भी बना दे, अब ये कोई उसका मालिक बन जाएगा? बिल्कुल है, अबे वो मर आ गए, तुम क्यों मर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? अबे जैसे रह रहे हो, तुम्हें तो रहने की मना नहीं करी, तुम दूसरों को क्यों बुलाओगे? बिल्कुल, तुम अपनी बेटियां वहां ब्याह रहे हो, उनकी बेटियां यहां ब्याह रहे हो, क्यों ब्याह रहे हो भाई? ये तो तुम उग्रवाद पैदा करोगे फिर। बिल्कुल, तो क्यों करना चाह रहे हो? हम नहीं देते इसकी नागरिकता। अच्छा, एक बात सबसे बड़ी है कि एएमयू उत्तर प्रदेश में आता है और वहां से आवाज आती है कि हमारी कौम अगर चाहे तो किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है, तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम समाज भारत को बर्बाद करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी। तो क्या लगता है इस बयान से? तो वो तो कभी रही नहीं, मुस्लिम समाज तो हमेशा ही कमर में छुरा भोंकती है। ये पाकिस्तान को देख लो, उनने कितने बर्बादी करी हमारी, अजमल कसाब ने देख लो क्या करा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसे भी कितने दिन जिंदा रखा है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारा बच्चा मरेगा ना, तो हम मारने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खड़े हुए सीना खोल के, जब मर्जी आ जाओ, जो मर्जी आ जाओ, जैसे मर्जी आ जाओ। जैसा कि योगी जी ने कहा है कि मर्दों को, मर्द तो रजाई में सो गए और महिलाओं को और बच्चों को रोड पर छोड़ दिया, और उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि जो देश के विरोध नारे लगाएगा उसको जेल की सलाखों के भीतर डाल दिया जाएगा। मैं मुस्लिम महिलाओं का भी कोई ऐसी नहीं कहूँगा, लेकिन मुस्लिम महिला कौन सी है जो अच्छे घर से वहाँ पर रोड पे लेटी हुई है? सब मुस्लिम महिला 500 रुपये वाली झुग्गी झोपड़ी वाली बेचारियों को वहाँ लेटा रखा है, उनका क्या कसूर है? वो लड़ाई चाहती हैं? नहीं चाहती।
वो सिर्फ हमने पेट की आग भगाने के लिए 500 रुपए में वहाँ बैठ गई है। अब 500 रुपए में हमारी कोई हिंदू की औरत नहीं बैठेगी, क्योंकि हिंदू के आदमी ही काफी है, कमाने के लिए भी, खाने के लिए भी, मारने के लिए भी तैयार है। हम किसी को धरने पे नहीं बैठाएंगे अपनी बहन बेटी को। हमारे पास नागरिकता और हमने तुम्हारी नागरिकता छीनी नहीं है, लेकिन तुम्हें बाहर से नहीं आने देंगे, और जो यहाँ और हो तो एक सहयोग हमें देंगे। एक बात समझ में नहीं आती कि अगर बाहर का मुस्लिम देश में रहता है और उसको सरकार भेजना चाहती है, तो हिंदुस्तान का मुस्लिम उसका साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि है ना, इनमें ना एक चीज है, इनमें खासियत है, ये है ना एक फतवा जारी करते हैं, उस फतवे में सारे एक हो जाते हैं ये, और हमारे में कोई फतवा जारी होता नहीं है, क्योंकि हम इतनी डिवाइड में जाते नहीं है, ना हम ऐसे कोई रूल बनाते अपने समाज में। हमारा समाज जी और जीने दे पे विश्वास करता है। ये एक फतवा देते हैं, अभी बीच में सिलमपुर में दंगा हुआ, चौधरी मतीन साहब लेके निकल गया झंडा। चौधरी मतीन साहब के घर में किसको लगी? किसी को नहीं लगी। मरा कौन? चोटे किसको लगी? बंद कौन हुए? गरीब आदमी जो सिर्फ उसके पीछे हाय हाय करने गए थे, वरना चौधरी मतीन साहब तो घर में बैठ गए थे, उन्हें क्यों नहीं हुआ कुछ? बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ उन्हें कुछ? बताओ हमारे कौन सा बीजेपी का, कौन सा कांग्रेस का नेता रोड पे उतरा हुआ था हिंदुओं का? बताइए आप, एक भी नेता दिखा दीजिए। तो एक बात बताओ, इनकी नागरिकता ली नहीं जाती है ना, इनको इससे कोई मतलब है, फिर विरोध क्यों? और अगर इंडियन है तो इसका विरोध कैसा? ये इंडियन कौन है? कौन कहता है इंडियन है? अभी बीच के अंदर यहाँ जाफराबाद में से 10-12 उग्रवादी उठाए थे बीच के अंदर, ये भी ISI के, हमारी मौजूदा टीम ने उठाए थे, जो हिंदुस्तान की अच्छी पुलिस है और काफ़ी अच्छे तबके पे है, उन्होंने इन्हें टारगेट बनाया था। तो टारगेट तो और भी, हिंदुस्तान में बहुत से मुस्लिम रहते हैं, उन्हें क्यों नहीं बनाया? क्यों जाफराबाद में बने? क्यों बने? कुछ तो करा होगा ना, कुछ तो लिंक जुड़े होंगे जो मिले। क्यों मिल रहे हैं? बिल्कुल, क्यों मिल रहे हैं? क्यों गए? हमें क्यों नहीं ले गए? हम भी तो वहीं रहते हैं, हमें ले जाते। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम साहिनी बाग वालों के साथ खड़े हैं और उनका हम समर्थन करते हैं, और एक तरफ देखने को मिल रहा है कि कपिल मिश्रा कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव देखने को मिलेगा तो वो हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान होगा। देखिए जी, चुनाव का तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, चुनाव तो एक हमारा हक है, हम किसी को भी जिताएं, लेकिन अपनी तरफ से तो मोदी है। और प्लस एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने भी अमित शाह वगैरह के मैसेज हैं, मैं इनको लाइक करता हूँ, क्योंकि अमित शाह बिल्कुल सही कह रहा, नागरिकता नहीं दी जाएगी। नागरिकता हम देंगे क्यों? किस बेस पे देंगे हम? हमें क्या पता वहाँ से परमाणु बम लेके आ रहा है, उसका प्लांट लेके आ रहा है, हमारे देश की कौन सी खुफिया जानकारी उसे दे रहा है, हम क्यों देंगे नागरिकता उसे? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, हमें देनी ही नहीं है उन्हें नागरिकता। अब तुम रह रहे हो, तुम्हें हमें कोई परेशानी नहीं है तुमसे, तो तुम क्यों परेशान कर रहे हो हमें? साहिनी बाग के अंदर दीपक चौरसिया पत्रकार हैं, वो जाते हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, मारपीट की जाती है, कैमरा तोड़ दिया जाता है साहिनी बाग में, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम तो बहुत शांतिप्रिय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक हमारा जो नाम है ना, हमारा जो हिंदू समाज का नाम है, ये उन्हें बुरा लग रहा है आज। अभी कोई मुस्लिम पत्रकार पहुंच जाएगा ना तो उसे बड़ा सम्मान से बात करेंगे, क्यों? वो उन्हें दिखाएगा। रवीश कुमार जाते हैं, उनको बिरयानी खिलाई जाती है, ऐसा भेदभाव क्यों? दीपक चौरसिया के साथ मारपीट होती है, रवीश कुमार जाते हैं वहां पर, उनको बिरयानी खिलाई जाती है, तो वो बिके हुए होंगे, मीडिया भी बिक रही है जी। हो सकता है पैसा खा गए उससे कि जी हम तुम्हारे साथ हैं, जब तो बिरयानी खा के आ रहे हैं, नहीं तो कोई दाल भी नहीं खिलाता मीडिया वालों को, तो सिवाय पत्थर के गाली के अलावा मीडिया को मिलता क्या है? बताओ मुझे, अगर मीडिया को मैं तुम्हें नोट दे दूं, तुम मेरे को क्यों टेलीकास्ट करोगे? खूब करोगे, अगर नहीं दूंगा तो तुम मुझे कहोगे यार हटा, बेकार का इंटरव्यू है, चल जा। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो पैसा खाया होगा उसने, या फिर ऐसा तो नहीं है कि पैसा ना खाया जाए, उनके उनके हित की बात की जा रही हो कि साहिनी बाग वाले प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, रवीश कुमार इस तरीके का दिखा रहे हैं, दूसरा जो बंदा जा रहा है उसको क्यों फिर बिहेव गलत कराया जा रहा है? वो पैसे नहीं खा रहा होगा ना। आज का माहौल ऐसा बन गया है कि नॉर्थ ईस्ट की मांग अलग हो जाती है, AMU में हिंदू की कब्र खुदेगी AMU की धरती पर, जामिया से आवाज़ें आती हैं कि देश के टुकड़े होंगे हजारे, इस तरह की क्या माहौल चल रहा है, क्या देख रहे हैं उस माहौल से? देखो जी, देश के टुकड़े तो ये दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाए दिल्ली, तो पाकिस्तान तो हम बनने देंगे नहीं। अब तुम सोचोगे जामिया को हिंदुस्तान से अलग कर दे, कैसे जामिया अलग हो जाएगा जी? कैसे जामिया अलग हो जाएगा? मतलब हिंदू
देश में रह रहे हो, हिंदुओं का नमक हिंदू देश का ही खा रहे हो और उसके बाद में तुम हमारे खिलाफ विरोध कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? मैं शाह ने कह दिया है कि सीए का विरोध जहां तक करना है वहां तक कर लो, मैं एक इंच पीछे नहीं हट सकता, जो उखाड़ना वो उखाड़ लो। बिल्कुल जी, अमित शाह के साथ हैं हम और उसने सही कहा है और समर्थन भी है और तन और मन से उस पर हम भरोसा भी करते हैं, क्योंकि अमित शाह एक ऐसा शख्स है जो मोदी के बाद में दूसरा नंबर लेता है। एक अमित शाह ऐसा शख्स है जो कभी है ना वचन देके पीछे नहीं हटता, तो अमित शाह के हम समर्थन में है। अमित शाह जो करेगा हमारे लिए भलाई करेगा, बुरा नहीं करेगा, क्योंकि अमित शाह ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ का मुस्लिम जाए, उनने यहाँ के मुस्लिमों को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बाहर से क्यों आने देगा और बाहर के बंदों को क्यों नागरिकता देगा? अगर तुम उसे अपना जवाई बनाओ या अपना भाई बनाओ या ताऊ बनाओ तो रिश्तेदारी वहाँ जाके निभाओ, यहाँ मत रहो। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने 5 साल पिछले निकाले और अब के 5 साल में क्या अचीवमेंट लग रहा है कि क्या अच्छा मतलब दूरदृष्टि से क्या देख रहे हैं? देखिए जी, अगर मोदी जी की बात आती है तो सम्मान हमारा है। कई बंदे हमारे से आज यूँ कहते हैं कि मोदी जी पिताजी लग रहे हैं आपके, आज ही हमारे पिताजी लग रहे हैं, हम कहेंगे उन्हें पिताजी, आज वो हमारी सीट पर बैठे हैं, हमारे माँ बाप ने तो हम उन्हें ही बाप मानेंगे। बिल्कुल। और हमारे हक में जो सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कारोबार का हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान उनका हुआ जिनके घरों में नोटों की गड्डियां बनी हुई थी, हमारा सारा बैंक से रिटर्न फाइल भरते हैं, सारा कारोबार हमारा बैंक से, हमें कोई टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं, तो हमें क्यों दिक्कत होगी ना? हमें नोटबंदी में परेशानी हुई मोदी जी से, नोटबंदी में उन्हें परेशानी हुई जिनके ट्रक भरे हुए थे, हमें क्यों परेशानी होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा ठाकुर जी का बेबाक इंटरव्यू, और आप आगे के इंटरव्यू देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।